नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। माशरे के खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। मैं मोहम्मद इब्राहिम, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। साइबराबाद एसओटी टीम को इत्तला मिलने पर एसओटी टीम ने मलाड़देपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद, राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद और मादापुर पुलिस स्टेशन हुदूद से क्रिकेट बैटिंग चलाने वाले तीन गैंगों को अपनी हिरासत में लिया। मलाड़देपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद से पकड़े जाने वाले अफराद के नाम है अंकित अग्रवाल, मोहित अग्रवाल, पुनीत अग्रवाल, गोविंद अग्रवाल, राहुल शर्मा, प्रशांत पटेल। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद से पकड़े जाने वाले अफराद के नाम है प्रवीण अग्रवाल, जितेंद्र पटवारी, रोहित अग्रवाल, लालचंद अग्रवाल। मादापुर पुलिस स्टेशन हुदूद से पकड़े जाने वाले अफराद के नाम है नगम रवि कुमार, दुदकी शिवा रामा कृष्णा, दचेपल्ली नरसिम्हा राव। पुलिस ने इन सभी अफराद को अपनी हिरासत में लिया और इनके कब्जे से 18,18,500 रकम, 3 लैपटॉप, 49 मोबाइल फोन, 5 स्कोरिंग बुक, 6 डेबिट कार्ड और एक कम्युनिकेटर को जब्त किया और इन सभी अफराद को गिरफ्तार करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। शेख वाहिद के साथ मैं मोहम्मद इब्राहिम, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। इस आईपीएल के साथ क्रिकेट बैटिंग भी बहुत स्टार्ट हो गए। ऑलरेडी हम लोग क्रिकेट बैटिंग को पहले इंडिजेंस करने के लिए हमारा टीम को अलग किया गया था। इसके हिसाब से हम लोग कल तीन टीम्स को आईपीएल बैटिंग में जो इन्वॉल्व है उनका तीन टीम को अरेस्ट किया गया। बेसिकली मोहित अग्रवाल और अंकित अग्रवाल करके एक टीम, हम ऑलरेडी इससे पहले 2016 में अरेस्ट हुए थे सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन में। फिर अगेन वो बाहर आने के बाद ये सेम एक्टिविटी कंटिन्यू किया। इसके साथ जो था प्रवीण अग्रवाल वो भी इसके साथ लास्ट थ्री इयर्स सेम एक्टिविटी कंटिन्यू कर रहे थे, बट इस बार फिर उनके साथ अलग होकर अगेन ही स्टार्टेड बैटिंग बिजनेस। उनको भी हम लोग अरेस्ट किए गए। और थर्ड टीम नागम रवि कुमार, ये ऑलरेडी दो बार पुलिस केसेस में इन्वॉल्व है, एक बार कड़पा में, एक बार हयात नगर पुलिस स्टेशन में अरेस्ट हुआ है 2014 में। फिर भी ये एक्टिविटी में कंटिन्यू हो रहा था, इनकी सबको हम लोग अरेस्ट किए गए। ऑलमोस्ट 18,18,500 रुपीज़ उनसे वी हैव सीज द अमाउंट। ऑल्सो 49 सेल फोन्स, कम्युनिकेटर और बहुत सारे बुक्स वगैरह सेल फोन्स सीज करके उनको आज कोर्ट को भेज गए। थैंक यू। बहुत सारे यूथ ये गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हो रहे, इसमें लास्ट में ओनली ऑर्गेनाइजर्स विल गेट बेनिफिट, वो लोग उनको लाभ होता है और बाकी लोग जो खेल रहे वो लोग नष्ट होते हैं। और भी बहुत सारे लोग नष्ट हुए, बहुत फैमिलीज नष्ट हुए। मैं पब्लिक को रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ डोंट प्ले और गैम्बल ऑन दिस आईपीएल मैचेस। किसके साथ भी कंट्रोल में रहे नहीं रहते, सो आई रिक्वेस्ट ऑल द नॉट टू डू दिस गैम्बलिंग एक्टिविटी। सच की तलाश का नाम आपका अपना क्राइम टुडे न्यूज़।